नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरजेडी के पूर्व विधायक भोला यादव को रिमांड पर सीबीआई ने लिया है, और इतना ही नहीं रेलवे के एक अधिकारी हृदयनंद चौधरी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। सीबीआई भोला यादव और हृदयनंद चौधरी इन दोनों से ही पूछताछ कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में मुश्किलें लालू परिवार की बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से अब एक बार फिर से लालू परिवार पर हमले शुरू हो गए हैं। खास करके सांसद सुशील कुमार मोदी की अगर हम बात करें तो लगातार एक के बाद एक ट्वीट करते हुए सुशील कुमार मोदी की तरफ से कई सारे खुलासे किए जा रहे हैं, और सुशील कुमार मोदी का यह भी कहना है कि लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ होनी जरूरी है। लेकिन अब आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी को जवाब दिया है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में कई तरह के आरोप सुशील मोदी पर रोहिणी आचार्य ने लगाया है। सबसे पहले आपको ये ट्वीट दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है रोहिणी आचार्य का। तो बता दें कि इस ट्वीट में लिखा गया है कि साइकिल पे घूम घूम कर कच्चा बनियान का किया करता था व्यापार, आज हजारों करोड़ों का मालिक बन बैठा सुशील मोदी का परिवार, तेरा और तेरी सृजन चोरनी बहन रेखा मोदी का भी समय आने पर होगा हिसाब, बस अपनी बारी आने का इंतजार करे। तो एक बार फिर से ये जो आरोप है वो रोहिणी आचार्य की तरफ से लगाया गया है, जिसमें सृजन घोटाले की जो बात है वो कही गई है, और साथ ही रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि बहुत जल्द सुशील मोदी और उनकी बहन रेखा मोदी पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें आपको कि इस वक्त लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ सीबीआई लगातार छानबीन में जुटी हुई है, भोला यादव से पूछताछ किए जा रहे हैं, साथ ही अगर बात करें तो हृदयनंद चौधरी से भी सवाल जवाब जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने का जो मामला है वो सुलझ सके। और यही वजह है कि लालू परिवार के चार सदस्यों का नाम भी सामने आया, जिसमें अब लालू यादव की बेटी हेमा यादव से भी किसी भी वक्त सीबीआई पूछताछ कर सकती है, इस बात की भी पूरी संभावना बन रही है। ऐसे में आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कदम सीबीआई की तरफ से उठाए जाते हैं, या पूछताछ में भोला यादव की तरफ से क्या कुछ जानकारी सीबीआई को दी जाती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बात करें तो भोला यादव लालू यादव के राजदार है, और यही वजह है कि भोला यादव अगर सीबीआई के सामने कुछ बोलते हैं तो ये लालू परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है, और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से भी जो हमले हैं वो शुरू हो गए हैं, लालू परिवार को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है। और बात करें तो सुशील कुमार मोदी का साफ तौर से ये कहना है कि कई सारी ऐसी जमीन है जिसे अवैध तरीके से तो खरीदा भी गया, और उसे बेचकर करोड़ों की कमाई लालू परिवार ने की है, और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में लालू परिवार से पूछताछ किए जाने की जो बात है वो भी सुशील कुमार मोदी की तरफ से की जा रही है, और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में रोहिणी आचार्य सामने आई है। अपने परिवार का बचाव करते हुए रोहिणी आचार्य सीधे सीधे सुशील कुमार मोदी पर हमलावर नजर आ रही है, और उस ट्वीट के माध्यम से बड़ा हमला बोला है रोहिणी आचार्य ने। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।